तोशाखाना केस के अंदर आज सजाए मौतली की दरख्वास्त पे आज समाअत मुकम्मल हो गई है। इसमें दोनों फरीकैन के दलाइल हो चुके हैं और आज इस केस की सजा के बाद आज चौथा हफ्ता शुरू हुआ है तो उसके अंदर जाके आज दलाइल मुकम्मल हुए हैं। गुज़िश्ता तारीख पे हाई कोर्ट का बड़ी सख्ती से ऑर्डर था कि इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो हाज़र हों और पेश होकर अपने दलाइल पेश करें, तो आज इलेक्शन कमीशन के वकील पेश हुए थे और उनकी तरफ से दलाइल आए। उनकी कोशिश थी कि केस को लिंग ऑन किया जाए और इसको मज़ीद आगे तारीखों पर लटकाया जाए, लेकिन हमारी तरफ से इस हवाले से शदीद मज़म्मत की गई। तो फिर आज इस पर समाअत दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया जो अब कल 29 अगस्त को सुनाया जाएगा। अच्छा, ये बताएंगे क्या तवक्कुआत हैं, इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं या कल रिहाई के फौरन बाद, जैसे आज ईमान मदारी को दोबारा से उठा लिया गया तो ऐसे किसी केस में इमरान खान दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे? बेसिकली कल इमरान खान इस केस में रिहा हो जाएंगे, जो आइनी और कानूनी तौर पर उनकी रिहाई हो जाएगी, सजा मुअत्तल हो जाएगी। अब बाकी इतने बेबुनियाद और झूठे मुकदमात कायम किए हुए हैं और कानून और आइन का वैसे भी कोई वजूद नहीं है, तो वो किसी में भी गिरफ्तारी डाल के उनकी रिहाई को वक्ती तौर पर रोक सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर भी रोक नहीं सकते। एक महीना, एक हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन, आखिर एक ना एक दिन उनको इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा।